कोरोना संक्रमण काल के समय से ही बंदियों से मुलाकात पर रोक लगाई गई थी। तभी से सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से परिजन मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सोमवार से अब जेल प्रशासन ने परिजनों से मुलाकात शुरू कर दी है। दरअसल सेंट्रल जेल में सामान्य कैदियों से अब मुलाकात दोबारा शुरू हो चुकी है। लंबे समय से कोरोना वायरस के चलते कैदियों को परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, वहीं आज से सामान्य कैदियों की मुलाकात का समय घटाकर 20 मिनट से 15 मिनट किया गया। अब सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कैदियों के परिजनों से सोमवार को मुलाकात करवाई गई। लंबे समय बाद मुलाकात शुरू होने से सुबह से बंदियों के परिजन जेल के बाहर पहुंच गए। हालांकि जेल में प्रशासन ने बंदियों से मिलने के समय में कोई बदलाव नहीं करते हुए पहले की तरह ही सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। हाँ बिल्कुल सही है कि कोरोना काल के बाद अब आज पहला दिन है कि आज सामान्य मुलाकात बंदियों की प्रारंभ हुई है, और लगभग 7-8 माह से सामान्य मुलाकात बंदियों की बंद थी। तो जब प्रारंभ हुई आज मुलाकात, तो आज बहुत ज़्यादा संख्या में बंदी के परिजन 9:30 बजे के आसपास उपस्थित हुए हैं, और अभी तक हमने 60 बंदियों की मुलाकात पूर्ण कर ली है और लगभग 55 बंदी के लगभग रजिस्ट्रेशन और हो चुके हैं। जहाँ तक सामान्य मुलाकात के एहतियात बरतने की और नए निर्देश की बात है, तो पूर्व में बंदियों की मुलाकात का समय जो था वो 20 मिनट का होता था, उसे घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है। और समय कम करने का कारण यही है कि बंदी के जो परिजन है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रह सकें, मास्क का उपयोग कर सकें और भीड़ भाड़ से बचा जा सके। और वर्तमान में एक बंदी से उसके 2 परिजन ही मुलाकात कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो नियम थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि सप्ताह में एक बार विचाराधीन बंदी बात कर पाएंगे अपने परिजनों से, और 15 दिवस में एक बार दंडित बंदी बात कर पाएंगे अपने परिजनों से। हालांकि कोरोना काल के कारण जेल प्रशासन ने मिलने के समय में जरूर कटौती की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाण न्यूज, इंदौर।